इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है जिसमें बताया जा रहा है कि फिर बहाल होगी पेंशन योजना। मुख्यमंत्री ने विधानसभा से की घोषणा। जी हां, हम आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने विधानसभा से एक बड़ी घोषणा की। उन्होंने कहा कि प्रदेश के मीसाबंदियों को सम्मान निधि राशि दी जाएगी। कांग्रेस सरकार ने मीसाबंदियों को सम्मान निधि राशि पर रोक लगा दी थी, जहां विधानसभा में मुख्यमंत्री साय ने कहा कि राज्य में 1975 से 1977 के बीच आपातकाल के दौरान आंतरिक सुरक्षा रखरखाव अधिनियम MIS-A के तहत हिरासत में लिए गए लोगों की पेंशन बहाल की जाएगी। विधानसभा में मुख्यमंत्री साय ने कहा कि मीसाबंदियों के लिए सम्मान निधि पेंशन फिर से शुरू की जाएगी। आपातकाल के दौरान सीमा के तहत बंदियों के लिए पेंशन योजना को 2019 में पिछली कांग्रेस सरकार ने रोक लगा दिया था, जो 2008 में भाजपा शासन के दौरान राज्य में शुरू की गई थी। इस बीच मीसाबंदियों को लोकतंत्र सेनानी को 3 अलग अलग श्रेणियों में 10,000 रुपए से लेकर 25,000 रुपए तक पेंशन दी जाती थी। अपने विभागों की 8,421,82,00,000 रुपए की अनुदान मांगों पर विधानसभा में चर्चा का जवाब देते हुए उन्होंने यह भी कहा कि पीएम वाणी योजना के पहले चरण में 1,000 ग्राम पंचायतों को वाईफाई सुविधा भी मिलेगी। इनके अलावा मुख्यमंत्री साय ने कई घोषणाएं की है, जिनमें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से संबंध विभागों के लिए विधानसभा में 8,421,82,08,000 रुपए की अनुदान मांगों पर चर्चा के बाद ध्वनि मत को भी पारित कर दी गई। अनुदान मांगों में सामान्य प्रशासन विभाग के लिए 475,39,81,000 रुपए, सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित अन्य व्यय के लिए 74,18,29,000 रुपए, वाणिज्य विभाग आबकारी के लिए 432,03,44,000 रुपए और ऊर्जा विभाग के लिए 3,990,56,79,000 रुपए, पशुपालन विभाग के लिए 513,01,98,000 रुपए। इनके अलावा मछली पालन विभाग के लिए 106,19,49,000 रुपए आदि दिए गए हैं। इनके अलावा सरकार ने और कई योजनाओं पर मुहर लगाई है। तो ये रहा एक नया अपडेट जो कि हमने आप तक पहुंचा दी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही चैनल पर नए हो तो फौरन CG36 न्यूज को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नई जानकारियों के साथ नेक्स्ट अपडेट में।